नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद, और अब चर्चा करते हैं बजट की। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सन 2018-2019 का बजट संसद में पेश कर दिया। भाजपा सरकार का यह बजट 2019 में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर भी पेश किया गया है। कुछ लोग इस बजट को अच्छा बता रहे हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें रहती हैं। आइए हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश को इस बजट में क्या मिला। ई स्टाम्प और ई पंजीयन को कैशलेस बनाया जाएगा। नर्मदा नदी के किनारे से 66 शराब दुकानें बंद की जाएंगी। नशा मुक्ति के लिए फेसबुक पेज, ट्विटर और ब्लॉग बनेगा। नशा मुक्ति के लिए अभियान और मुक्ति पर रिवार्ड मिलेगा। नशा मुक्ति के लिए हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र बनेंगे। 1 जनवरी 2016 से सभी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की घोषणा की गई है। जेल प्रशासन के लिए 297 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निर्मल भारत मिशन के लिए 1750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए 256 करोड़ का बजट दिया गया है। 2017-18 के लिए 25689 करोड़ के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। नक्सलवाद को रोकने के लिए नई बटालियन का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में अब हवाई सफर महंगा होगा। भोपाल इंदौर में ATF चार से बढ़कर 25% की गई है। ग्वालियर खजुराहो में कटौती की गई है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज आज में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।